Thank you very much once again for showing your interest. It's the fifth day of our RGACS summer school on water crisis and sustainable solutions. Last 4 or 5 weeks, we have been talking about various issues related to water, and we did a good amount of research around us, understanding and exploring water issues. So this is our concluding session. We don't have any formal knowledge session today, but we have an important thing to do today. That is, you people will be. जीत आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी सर। तो आज हम जो है हमारी तरफ से कोई फॉल नॉलेज सेशन नहीं है, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है ये है कि जो जिन लोगों ने भी इस दौरान रिसर्च किया है और क्लासेस अटेंड की हमारे, उनमें से कुछ लोग जो है अपने जो भी उनके एक्सपीरियंस थे इस दौरान के, जो उन्होंने रिसर्च किया उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों को हम मौका देंगे उनमें से, एंड देन हमारे साथ आरजीएसएस के डायरेक्टर और राजीव गांधी फाउंड। जीत आप फिर म्यूट हो गए। जीत अनम्यूट क्यों हो रहा है? जीत आप एक काम कीजिए, अपना वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए, आपको बैंडविड्थ मिल जाएगा, फिर आपका वॉइस भी कट कट के आ रहा है शायद, वो कोई इशू है। थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद कर लीजिए। ओके जी। सो आज कुछ लोग जो हैं अपना रिसर्च एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ, एंड देन हमारे साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ श्री विजय महाजन जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, वो हम लोगों से बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो उनकी बातचीत शुरू होने से पहले हम चाहेंगे कि जो लोग भी अपना रिसर्च या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं वो लोग शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट में और लेना चाहूँगा, क्योंकि आज कंक्लूडिंग सेशन है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोग्राम को हमने पहली बार इस तरह का एक प्रोग्राम किया था। इस प्रोग्राम के लिए 26 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, लेकिन उसमें से 17 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और उसके 2 कॉम्पोनेंट थे, एक कंपोनेंट था कि जो नॉलेज सेशन हम हर मंडे को ऑर्गेनाइज करते थे उसमें पार्टिसिपेट करना, और दूसरा जो है जब हम उनको वर्कशीट देते थे उसके बाद, हर सेशन के बाद, और उनको फिर उस पूरे हफ्ते में उस वर्कशीट के आधार पर उन क्वेश्चंस को फिल करना था, अपने आसपास की चीज़ों को जान करके समझ करके उसमें लिखना था। तो 17 में से 10 लोगों ने प्रॉपरली हमको वर्कशीट फिल की है, जिसको हमने बाद में कंपाइल करने की कोशिश की, तानिया और मैंने मिलकर के वो कंपाइल किया है। कुछ लोगों के और हैं जिनको आधे अधूरे हैं, जिनको कुछ को हमने कमेंट्स भी दिए हैं, अगर वो थोड़ा सुधारते हैं तो हम उनको वापस इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे। इस पूरे वर्कशॉप में बहुत अलग अलग जगहों से लोग थे, जैसे जम्मू कश्मीर से कुछ बच्चे थे, पंजाब से थे, उत्तराखंड से हैं, आसाम से हैं, दिल्ली से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, और बिहार से भी हैं। तो ऐसे एक बड़ा डाइवर्स ग्रुप था, बहुत छोटा ग्रुप था, लेकिन इस छोटे ग्रुप में भी काफ़ी डाइवर्सिटी थी, बहुत अलग अलग तरह के लोग थे। बड़े शहर जैसे दिल्ली और जालंधर जैसे भी लोग थे, और छोटे गांव जैसे बस्तर के एक छोटे से गांव डिलमिली से भी थे, या उत्तराखंड के छोटे से गांव घनसाली से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं। आज के सेशन में आप थोड़ा ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि आज कंक्लूडिंग सेशन है और हमने और लोगों को भी इसमें बुलाया है, ताकि वो आपके एक्सपीरियंसेस को सुन सकें और आपसे जान सकें कि आप लोगों ने क्या काम किया है इस दौरान। तो ये था ब्रीफ ओवरव्यू। अब मैं चाहूँगा कि जो बच्चे जो हैं अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं वो शुरू करेंगे। एलिका जो है वो उसको थोड़ा टाइम का शॉर्टेज था, अगर मैं उससे शुरू करना चाहूँगा इनकेस की क्लास वो जाना चाहेगी। सो एलिका, आर यू रेडी? नहीं आप तो ज्वाइन किया था। हाँ है।
अलिका, अलिका किस नाम से है उनका अकाउंट? मुजालिका नाम से नहीं दिख रहा। ILI Tiwari, अलिका तिवारी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए अलिका जी। शायद उनको आवाज नहीं जा रही है। वो Who's the next in the list जी? आप उस उन पे जा सकते हैं अभी, फिर बाद में मलिका को। Yes sir। अच्छा सी आगे। Okay। इधर। Yes sir। Are you there? Yes sir। You want to share? अलका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर डन। जी अब बोलिए प्लीज। जी जी अब अनम्यूट, आप बात कर सकते हैं। नेटवर्क इशू आपका, नेटवर्क का थोड़ा इशू है। नेटवर्क का इशू, वॉइस क्रैक हो रहा है। आपके पास थोड़ी देर में आते हैं अलका देन। ओके देन पुबाली है, पुबाली सर आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस सर। ओके पुबाली चलिए बताइए आप अपना। हेलो आवाज आ रही है पुबाली। पुबाली अनम्यूट कीजिए बेटा, आपसे बात करने के लिए बोल रहे हैं सर। आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। हाँ सर, मैं असम से हूँ। तो हमारे असम पे, तो हमारे यहाँ पे तो मतलब बहुत बारिश होता है, तो वाटर का, पानी का इतना प्रॉब्लम मुझे लगता था नहीं होता, लेकिन जब मैंने वर्कशीट कंप्लीट करने के लिए मेरे हमारे लोकल मतलब हम लोगों से बात की, तो हमें पता चला कि यहाँ भी पानी की समस्या होती है। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ के बारे में जानकर। मुझे यह पता चला कि हमारे यहाँ के टी गार्डन्स में बहुत सारे फर्टिलाइजर और बहुत सारे दवाई यूज करते हैं, तो उससे पानी मतलब पानी बहुत पल्यूट होता है, और वही पानी हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे लोगों को बहुत सारे बीमार भी होते हैं उसके कारण। और टी गार्डन के लिए जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज भी है, तो वहाँ से भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स यहाँ के तालाब नदियों पर फेंक देते हैं, तो उससे भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे मतलब पानी में प्रदूषण होते हैं, और वो पानी यूज करके हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को बीमारी होती है। ओके पुबाली, आप ये बताना चाहेंगे कि अगर नॉलेज सेशन और जो वर्कशीट थी उसमें आपको किस तरह का, नॉलेज सेशन से वर्कशीट भरने में कुछ आसानी हुई या नहीं आपको? हाँ नॉलेज सेशन से मुझे वर्कशीट भरने में तो बहुत आसान हुई, कि नॉलेज सेशन में ही मुझे बहुत सारी बहुत बातें सीखने को मिली जिससे मैं अपनी वर्कशीट को फिल कर सकूं। ओके कुछ और बोलना चाहेंगे आप? नहीं थैंक यू। Pubali मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस तरह का जैसे आपने, आप कौन सी क्लास में? मैं अभी क्लास 11 पर। क्लास 11 में है, तो जिस तरह का यहाँ पे आपने देखा एक नॉलेज सेशन हुआ, उसके बाद एक वर्कशीट आई, फिर आपको कुछ प्रैक्टिकली कुछ जाके लोगों से बात करना पड़ा या कुछ ऑब्जर्वेशन करके फिर वर्कशीट को फिलअप करना पड़ा, तो इस तरह का कभी आपको स्कूल में कोई असाइनमेंट मिला है क्या? हाँ मुझे एक बार मिला था। हमारे स्कूल मतलब नेचर की बहुत नेचर के लिए बहुत सारे काम करते हैं। एक बार हम लोगों ने जो पेड़ पे कील लगाते हैं ना,
उससे पेड़ को बहुत मतलब नुकसान होता है। तो हम लोगों ने एक बार एक हमारे क्लास ने मिलकर एक ऐसा किया था, क्लास वर्कशीट मतलब ऐसा किया था। ठीक है, जिसमें फील्ड ऑब्जर्वेशन था और जाके देखना था, बात करना था और लिखना था। ठीक है, वेरी गुड। तो इससे आपको लगता है कि आगे के लिए आपको कुछ फायदा होगा? हाँ, इससे तो बहुत लोगों को पता चला कि पेड़ पे कील लगाने से पेड़ को नुकसान होता है। तो इस तो हम मुझे भी ये नॉलेज सेशन करके यह पता चला कि पानी 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 की पोल्यूशन से आज हम लोगों को कितना समस्या हो रहा है और बाद में हम किस परिस्थिति में होंगे। ठीक है, तो आप अभी तो 11th में, 12th के बाद आपका क्या प्लान है, क्या पढ़ने का प्लान है? मुझे बीए करना है इंग्लिश में, शायद मेजर लेकर, और उसके बाद सिविल सर्विस के लिए मुझे ट्राई करने का शौक है। वेरी गुड, थैंक यू। असम में कहाँ पे हैं आप? मैं असम में जोरहाट पर। ओ जोरहाट, वो बाल कोई और मैं आंख कोई बार हूँ। हेलो, वो बाल आपकी कोई, मैं आपसे असमी से बात कर रहा हूँ। बाल कोई और मैं आंख कोई बार हूँ। खूब बाल। धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम सर। ओके, नेक्स्ट, जस्ट चेक इफ इलिका कैन कम बैक। Yes sir, now you are. Yeah, start Ilika. So from all these knowledge sessions and seeing the worksheet, I came to know about the water crisis in my area. I thought that people were not facing any problem, but after this survey, I came to know about the reality. In some places, the condition is right, but in some months and in some nearby houses, people are facing a lot of difficulties due to less water or water pollution. Their daily work is affected. Like, let me discuss about rainy season only. Near my house, there was a canal. There's water in that only during the rainy season. It is used for agriculture, but this time there is no water in that canal. I don't know due to what. So people are facing difficulties in watering the plants this time because of it. Hello, sir. Unmute कीजिए please. Sir, unmute कीजिए please. Ilika, why is it that you're not able to answer the question as to why there is no water in the canal? You didn't ask anybody? So I asked my neighbors, but कनेक्शन खराब हो गया साउंड का। इलिका दोबारा ट्राई कीजिए, एक बार आपका वॉइस क्रैक हो गया। सो आई आस्क्ड माय नेबर्स अबाउट इट, दे आल्सो टोल्ड दैट द वाटर वाज देयर ओनली इन रेनी सीजन एंड इट इज ड्यू टू द रेन्स ओनली, मे बी दे आर ट्रांसपोर्टिंग इट फ्रॉम सम अदर प्लेस, आई डोंट नो, नोबडी नोस। नो, सो यू नो दिस इज So one of the lessons we have to learn when we are doing this kind of field research is that it's not any question that you're asking, it's not always that you'll get the answer immediately. So if you don't get the answer immediately, you have to look for alternate ways to answer that question. For example, you could find out, is this canal run by a government department or is it run by the local panchayat, or who is in charge of it, and you can find out who are the officials, you can go and meet them,
I'm sure because you're doing it as a project for study, they'll be happy to answer your question. So the one of the things about doing field-based research is to go after a question to the source. Sometimes the source is a person, sometimes the source is a place, sometimes the source is some natural phenomena. Okay. And then you can also see, sometimes there are publications. For example, you're in Nainital, right? I'm in Haldwani, Nainital. Okay, you're in Haldwani district. So there's something known as a district census handbook. You can see it, you can find it on the internet. And you see which area is this canal in, and you can check. Most likely there'll be a map in that district census handbook where the canal will be marked, and you can see its origin, where it's originating from, probably how long the canal is and so forth. So this kind of research is called secondary research, you know, where you are consulting some published document which somebody else has done research or writing. And primary research is where you go and meet individual people who are involved with that issue or that problem. Okay, so all of this is part of the research that you have to do. Of course, this time it was a very short exercise, but just for future. Don't say easily, I don't know. Okay? Okay. Right. Go ahead. What else do you want to say? What? Do you want to say anything else? No. All right. Jeet, you can go. Yeah. Next is Nandini Lohani. Nandini, are you there? Yes. Nandini is there, yeah. Unmute, G. Good evening, sir. Good evening. I'm from class 12 and I'm from New Delhi. And my research area was Nainital City, which is in Uttarakhand. It's a hilly terrain, so it's one of the most famous hill stations in India, as you all know. And so I'm just gonna give you all a run through my whole research, if that's okay. The major occupations of people over there are basically tourism business. They're like shopkeepers and guides and hotel staff and all that. Main source of water for all the people of Nainital is the Nainital Lake, also known as Naini Lake. And the lake gets its water from all the, they're called dharas or nolas, which are like little streams which come from the mountains, and they feed the lake basically. And it also used to get its water from Sukhatal Lake, which is near this lake only. But now it's completely drained, the Sukhatal Lake. So it comes under the depleted sources of Nainital. During the months, during the dry season, basically, which does not have a lot of rain, and basically summer it is. So people have to save a lot of water those days, because they don't get a lot of water at homes. So there's less water for doing stuff like gardening and cleaning and little things like they won't flush their toilets as much as they would earlier. Then even the lake, all its water, it decreases a lot, like about 15 to 20 feet below what it would be when the reservoir is full. And but there are a lot of water harvesting structures also in the city. There are a lot of rooftop rainwater harvesting systems in a lot of houses. And there are subsurface rainwater harvesting soaking pit.
Okay, and the so the problem with the lake is facing is pollution basically, and most of its water it's polluted because usually of the trash which is dumped into it by because of tourists and even the locals, and a lot of solid and liquid waste is discharged. People are basically not very cleanliness friendly with the lake there, and that should really be taken care of. And also there's a lot of pollution in the lake because of heavy construction there near the lake, which really affects it. And I have family over there, so I asked them what can be done about all this. So they gave me suggestions about it, which are like, they said there should be a lot of afforestation done near the lake, and all the parts of all the streams, the Nalas and the Dharas, they should be cleaned very often so that there's no garbage coming in through them and the water is better quality. And they said that people should be made more aware about maintaining the cleanliness of the lake water, and the authorities as well as the locals should make sure that there's no pollution, about at least with such kind of thing which can be managed, like throwing the trash into the lake. That should not be done. And basically, yeah. जी जी अनम्यूट कीजिए. Anthony, that's a good, very good attempt at trying to understand the problem. And you were in Delhi, but you managed to call your family people who live there and get some information, is it? Yes, sir. Okay, well, that's good. Of course, if you were in Nainital itself, you would have been able to do even better, right? Yes, sir, definitely. Good. Okay, thank you. Did you find the whole program useful? Will it help you? Now, are you going to college already or about to start? No, sir. I'm in 12th right now in modern school, Varakambaro. Okay. And what do you plan to study? Sir, I plan to do architecture after school. Okay. Great. So architecture and environment are very deeply connected. Yes, I hope, sir, this will be useful for you. Hmm? Yes, sir. It was very useful. Great. Thank you. Thank you, sir. सलोनी अगर अवेलेबल हो. सलोनी बोलना चाह रही थी कुछ पर मुझे वो दिखाई नहीं दे रही है. अगर किसी दूसरे नाम से हो तो. सलोनी नाम से तो नहीं है. नहीं. ओके, मिस कर दिया शायद उसने. प्रज्ञा है. प्रज्ञा सिंह जी. यस सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. अच्छा बताइए सर. माइसेल्फ प्रज्ञा सिंह. आई एम फ्रॉम क्लास 8 हिमालयन इंग्लिश स्कूल घनसाली टीरी गढ़वाल. सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो आपने इतनी अच्छी फाउंडेशन बनाई, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड फाउंडेशन. अब मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी कि हमने अपने आसपास क्या करा वाटर टेस्टिंग के लिए या सेव फॉर सेविंग वाटर. अर रेगुलर वाटर अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड इन आवर स्कूल सो दैट स्टूडेंट्स कैन इजली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वाटर इन देयर लाइफ एंड स्टार्ट थिंकिंग टूवर्ड्स रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, क्लीन वाटर बॉडीज फ्रॉम रिवर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेगुलर वाटर टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग. द स्टूडेंट्स ऑफ Himalayan English School Ghansali organized a number of rallies in main market of Ghansali to create awareness among the people so that they understand the importance of water in their nearby villages.
World Water Day is observed. World Water Day is observed in each year in the World Water Week in our conference hall, in which most of parents, social workers participated. Regularly, the students of Himalayan English School Ghansali organize programs for cleaning nearby River Bhilangna and collect non-biodegradable waste material in their large bags and remove the waste material from the banks of River Bhilangna. For rainwater harvesting, our school and I have done in Ghansali, in placed in remote location of hill state Uttarakhand, and there is acute scarcity of potable water. During dry season, rainwater harvesting is necessary for saving and storing rainwater of rooftop in underground closed tanks. Awareness camps for rainwater harvesting is planned to be organized in coming days. We have done water testing so that we know the water is good or not. Our school has started water testing and monitoring workshop by प्रज्ञा. डिस्कनेक्ट, उनका नेटवर्क चला गया है, डिस्कनेक्ट हो गई है. सलोनी आ गई है, जब तक अगर आप सलोनी से बात करना चाहते हैं तो. सलोनी सिंह. हाँ सलोनी सिंह. सलोनी प्रज्ञा वापस आए हैं, एक्चुअली उनको कंप्लीट कर लेते हैं. प्रज्ञा आपका म्यूट है, आप प्रज्ञा अनम्यूट कीजिए बेटा. अच्छा प्रज्ञा एक मिनट सुनिए. ये जो आपने बोला अभी तक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सब कुछ लोगों को बताना जरूरी है, लेकिन अभी थोड़ा आप उस पर फोकस करेंगे. जो समर स्कूल के दौरान हमने वर्कशीट्स भरी, आपने बहुत अच्छी वर्कशीट घनसाली के लिए भरी है, तो उस पर बात करोगे आपकी घनसाली में क्या इश्यूज है पानी के जो आपको देखने को मिला. अभी तो घनसाली में वाटर स्केर्सिटी काफी ज्यादा है क्योंकि आजकल ड्राई सीजन है, तो वहाँ पे काफी पानी की प्रॉब्लम है. लोगों को पानी की समस्या है तो दूर दूर जाने पड़ता है पानी लेने के लिए. और कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, वाटर सोर्सेज, वो सूख भी जाते हैं. तो अभी तो प्रॉब्लम है घनसाली में, बट हमारे स्कूल ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अभी लोगों के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, रैलीज करी हम लोगों ने मेन मार्केट ऑफ घनसाली, सो दैट दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम ये वर्कशीट से आपके जो ऑलरेडी काम, क्योंकि आपका स्कूल ऑलरेडी पानी के ऊपर काफी काम कर रहा है, लेकिन जो वर्कशीट अभी 4 वर्कशीट आपने भरी है, उससे आपको काम को समझने में थोड़ा और मदद मिली या वो सब रेगुलर काम है आपके लिए? नहीं सर, कुछ रेगुलर भी है और कुछ जो है वो, मतलब जो आप लोगों ने यहाँ पे हमारी वर्कशॉप चलाई उससे भी मुझे काफी हेल्प मिली उसमें आंसर्स लिखने में, और मैंने आसपास रिसर्च करा और तब भी आंसर करे हैं. कैसे रिसर्च किया आपने, कुछ बताएंगे किन से पूछा, किन किन लोगों से पूछा आपने? आजकल तो वैसे लॉकडाउन है, लेकिन मैंने अपनी मम्मी से ही पूछा और आसपास जो नेबर्स हैं तो थोड़ा उनके पास गए, तो मैंने उनसे वाटर प्रॉब्लम के बारे में पूछा कि जो ये वाटर प्रॉब्लम है तो आप इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मतलब क्या कर रहे हो, आप में हेल्प करोगे, मतलब आप लोग कुछ इस प्रॉब्लम जो ये है इससे आप कैसे निपटोगे, आप वाटर सेव कर रहे हो या नहीं. तो उनकी मैंने हेल्प ली, उनसे पूछा कि वाटर प्रॉब्लम ये कब से है. ओके थैंक यू प्रज्ञा. सर आप बोलना चाह रहे हैं? ये लगाओ जल्दी, मम्मी सही बोला. नहीं थैंक यू प्रज्ञा. आपका स्कूल हिमालयन स्कूल घनसाली तो हमारे कई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छी बात है.
आपकी बात सुनकर लगता है कि स्कूल में बड़ी अच्छी एजुकेशन दी जाती है एंड प्रैक्टिकल भी चीजें सीखने को मिलती हैं. आई होप वी कैन कंटिन्यू दिस कॉन्टैक्ट. थैंक यू सो मच सलोनी. जी सर नमस्ते. नमस्ते सलोनी. अच्छा बोलिए बोलिए आप. सर जहाँ तक मैंने रिसर्च क्षेत्र किया है यहाँ पे हमारे गांव में इतनी पानी की प्रॉब्लम नहीं होती है. हेलो बोलिए आप. सुन रहे हैं सलोनी जी. सुन रहे हैं बोलिए. यहाँ पे मतलब यहाँ पे पानी की कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की किसी भी मतलब व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं होती है पानी से, चाहे वो खेती के काम में हो या पीने से या किसी भी काम, क्योंकि कुएं से होता है और हैंडपंप नल जल योजना भी है और बारिश भी हो जाती है इसके कारण कि लोग अपना खेती का काम कर लेते हैं आसानी से. ट्यूबवेल है. आपने वर्कशीट में जो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है अलग अलग जगहों से पूछ करके ना, आप उसके बारे में बताएंगे कुछ? सर मैंने अलग जगह से तो कोई वो ही नहीं दिया. अच्छा कहाँ से लिए आपने इन्फॉर्मेशन? सर ये मैंने अपने गांव के लिए. हाँ तो उसी गांव में क्या क्या है इश्यूज पानी के, पानी के कितने स्रोत हैं, कौन से स्रोत कब तक चलते हैं, ये आपने लिखे है ना? जैसे कि ट्यूबवेल का तो जब तक आप चाहें तब तक उसका स्रोत कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं उसको जैसा चाहे वैसा कर लीजिए. बारिश को तो कोई पता नहीं होता वो जब होना चाहता है. आजकल के मौसम में तो बहुत बारिश हो रही है इधर, अभी भी बारिश हो रही है. और नल जल योजना है वो अपने टाइम से की शहर में पानी आता है सुबह शाम, उस हिसाब से यहाँ पे सुबह में दिन में और शाम के टाइम पे पानी आता है. और जो कुएं है उससे लोग अपना पानी निकाल के जब मन करता है वो अपना काम कर लेते हैं. और हैंडपंप तो खैर अपने हिसाब से सब काम करते हैं यहाँ पे. ओके सब लोगों ने पानी की कमी के बारे में लिखा था लेकिन आपका वर्कशीट था जिसमें फ्लडिंग के बारे में भी कहा था आपने, है ना? बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, क्या होता है बाढ़ के टाइम पे आपके आसपास, आप बताएंगे कुछ? यस सर फिलहाल में भी बाढ़ आ रखा है, बहुत बारिश हो रही है इधर. तो लोग उससे बचने के लिए जैसे कि ऊंचे ऊंचे घर बनाते हैं. और जैसे कि जिनके पास मतलब पैसे नहीं है जो गरीब हैं वो क्या करते हैं, अपना जो बम्बू होता है उससे अपना घर ऊंचा बना लेते हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, बाढ़ आए तो वो नीचे से निकल जाए, उनके तक पहुंच ना पाए, उनको क्षतिग्रस्त ना कर पाए बाढ़. और फिर भी जैसे कि जो लोग मतलब कमजोर होते हैं उनकी हेल्प तो जो वो होती है ना मुखिया जो होती है गांव की पंचायत की जो वो हेल्प करती है उनकी, कोई भी प्रॉब्लम होती है. अभी फिलहाल टाइम पे बाढ़ आ रखा है यहाँ पे तो बहुत लोगों का घर टूट टूट रहा है, तो वो सब मुखिया पंचायत के जितने भी हैं सब हेल्प करते हैं, वार्ड जो होते हैं सब हेल्प कर रहे हैं उनकी. ओके थैंक यू सलोनी. सर आप कुछ बोलना पूछना चाह रहे? सॉरी. आपने पॉइंट आउट किया ऑलरेडी जीत कितना डाइवर्सिटी है हमारे देश में, कहीं पे उसी महीने में पानी की शॉर्टेज है तो कहीं पे फ्लड्स हैं तो कहीं पे बहुत ज्यादा पानी है, यू नो इट्स ऑल क्वाइट रिमार्केबल. लेकिन जैसे हमने सुना कि असम में पानी की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पानी की क्वालिटी की प्रॉब्लम हो गई है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय टी गार्डन्स एंड सो फोर्थ. सो इट इज नॉट जस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बट द क्वालिटी ऑफ वाटर. तो आई एम सो ग्लैड दैट इन अ शॉर्ट प्रोग्राम वी वर एबल टू यू नो एक तो हमारी तरफ से आप लोग ने एक्सप्लेन किया पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और दूसरी तरफ जो अलग अलग पार्टिसिपेंट ने अपने अनुभव शेयर किए तो सबकी नॉलेज उससे बढ़ी कि बहुत डाइवर्स सिचुएशन हो सकती है. हालांकि अभी जहां तक मेरा ख्याल है कोई डेजर्ट या वेस्टर्न राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से कोई नहीं है ना साथी हमारे साथ? ना नहीं सर, बस एक पार्टिसिपेंट और है, थोड़ा वो भी शेयर करना चाहता है तो उधर. हाँ तो आदित्य अगर अभी हैं आप ज्वाइन तो हैं. आदित्य है. यस Aditya Shekhar. Yes, sir. So, first of all, thank you so much for providing. Aditya, थोड़ा माइक के नजदीक जाके बोलेंगे?
हल्का सा माइक के नजदीक प्लीज। सर अब सुनाई दे रहा है? जी बोलिए। यस सर। सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th ग्रेड इन दिल्ली एंड माय रिसर्च एरिया इज दिल्ली and as you all know that Delhi is a very populated state of 1.96 crores which means that the water usage in Delhi is also high. The basic information about Delhi is that Delhi is a very diverse, New Delhi is a very diverse state of India. It accommodates occupation like information technology, telecommunication, hotels, media, banking, tourism, and also many government headquarters are located in Delhi. Coming to the water supply of Delhi, there are various sources through which water is supplied in Delhi, which is the Ganga River, Yamuna River, the Bhakra storage, and groundwater reservoirs. So in the recent years, there is a depletion of water in groundwater, and also there is the increase in pollution in the Yamuna River has increased drastically. There are around 4 to 5 months where Delhi receives high rainfall, which is June, July, August, and September. And so personally, at home, I do not see any shortage of water. But if we look at the bigger picture of the entire area, there are a lot of areas where water does not reach homes of people, and the people actually have to walk more than 5 kilometers to actually get water for the day. And so recently in Delhi, the government of Delhi has encouraged the use of water harvesting. There are many structures of water harvesting, mainly around my residence in Arkipuram, Dwarka, and Lajpat Nagar. There have been rainwater harvesting structures installed, and these are being encouraged with different kinds of rules and regulations which people follow. And so there are many sources through which water is polluted in Delhi. These are the different areas, can be the industrial waste, the chemical usage by farmers or anyone which affects the groundwater, and this leads to groundwater depletion. Many people in Delhi also exploit the water resources which they're provided with. People, as Mahatma Gandhi said, that all the resources are, as Mahatma Gandhi said, that there are enough resources for everybody's need, but not for everybody's greed. And particularly in Delhi, that quote actually makes sense. And so, personally, I did not face a problem with shortage of water at home, but when I actually saw the bigger picture, Delhi faces a lot of problems with the water, with the supply of water, and that is what I've learned, is that I will have to make the change to see the change in the world. And sir, this internship and this summer school has actually shown me a way to do that. Thank you, sir. Thank you, Aditya. बस इतने लोगों ने रिक्वेस्ट की थी अपनी बात रखने के लिए, तो अब हम सर के पास आएंगे. सर Aditya, very good. Thank you for your presentation. I don't know अगर आपने पिछले एक दो हफ्ते पहले एक you may have seen that the Delhi Jal Board is trying a new way to improve the groundwater in Delhi. वो यमुना का जो फ्लड प्लेन्स है उसके साइड में they've dug very very large ditches, hundreds of acres, bulldozer लगा के,
तो जब फ्लड के टाइम वो पानी से भर जाती हैं, व्हेन द फ्लड विड्रॉज दोज डिचेस विल एक्ट एज ओपन वाटर सरफेस, तो धीरे धीरे 3-4 महीने में वो बिल्कुल पानी जो है जमीन के अंदर चला जाएगा. दिस वॉज ट्राइड ऑन अ पायलट बेसिस लास्ट ईयर एंड दिस ईयर देव एक्सपेंडेड इट. Similarly, there are many other water bodies all around Delhi which are being rejuvenated. So I think the consciousness is increasing, and I'm so glad that young people like you are getting involved in this. But Jeet, before we go further, and since I have to also go for another call at 5, I also wanted to, since Tanya was both somebody who helped you organize this workshop as well as she submitted her own worksheet, I'd like Tanya to say a few things. Tanya, are you there? Yes, I'm here. Thank you. Am I audible? Yes. Okay. Good evening, everybody. And thank you, sir, for this opportunity. I learned a lot of things by researching through for this summer program and interacting with anybody. So you just mentioned the Yamuna River. One thing I learned was in the past 4 months that we've been in lockdown, the Yamuna has looks so clean now that it hasn't looked so clean in the past more than 25 years of the Yamuna Action Plan. So we've all spoken about water pollution and its sources here in our research. But one lesson we've learned during this quarantine, the lockdown, is that just how much us humans are affecting the water bodies. And if we just take a step back and let nature heal itself, it can really, really do so, because the Yamuna looks beautiful now. Also, a really unique opportunity I got was talking to all the students from so many different states, which I could have never done through, you know, reading about water crisis on the internet or through my school. So this was a really unique opportunity. And one more thing, one more important lesson I learned was that sitting in Delhi, our government has done a lot to provide us a steady supply of water. So this was a very important reminder for me that there are thousands and millions, so many people in India who don't have access to water when they open a tap. So this just reminded me how much more work we have left to do. And as students, we can really make a change by first learning through such research programs and then going to take action. So this was a really unique thing by hearing everybody else's experiences as well. So that's what I learned. And I really wanted to thank you for this opportunity. Wonderful, Tanya. Both Jeet and Ankush speak very highly of your contribution. So I also wanted to thank you for that. And we have with us at least 3 resource persons. I can see Sanjay. Sanjay sir, kuch bolna, ek point rakhna cha rahe hain. Haan, toh Sanjay hai aur bhi ek do log hain. Apne Karoli se saathi hain. I don't know if DSC Gujarat se hain ya nahi. Lekin phir bhi, Sanjay, aap kuch bolenge? नमस्कार, बस एक दो मिनट लेने हैं मुझे. मैंने जब अपने पहले सप्ताह में जब मैंने बच्चों को एड्रेस किया था, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया एंड इट्स वेरी एनकरेजिंग कि आप अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर रहे हैं. बट जस्ट वन पॉइंट विच आई हैड मेड टू आवर फ्रेंड्स इन RGF लास्ट टाइम कि जब भी हो सके, कोरोना का जब ये संकट थोड़ा कम हो जाएगा, बच्चों को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स घुमाने के लिए ले जाएं जहां भी पास में हो, या यू नो वी विल ऑफ कोर्स हैव टू कलेक्ट देम एट वन प्लेस, मे बी इन दिल्ली टू स्टार्ट विद, जिससे कि वो जो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे RGF इन्वॉल्व रहा है, RGF की फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व रही हैं सर, तो वहां पे यदि करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. वैसे मेरा सुझाव था, मैं जस्ट को रिपीट करना चाहता था सो दैट वी कैन टेक दैट एज वन ऑफ. ये बहुत अच्छा सुझाव है. और राजस्थान में करौली में तो हम लोग बल्कि एक बच्चों के लिए एक सेंटर भी बना रखा है जिसमें 20 बच्चे वहाँ रह भी सकते हैं ओवरनाइट, और वहीं खाने वाने का बंदोबस्त भी है. और वो कई बार दिल्ली से और दूसरी जगह से वहाँ बच्चे गए हैं, और इन रिटर्न वी हैव इनवाइटेड चिल्ड्रन फ्रॉम करौली विलेजेस टू स्पेंड 2 days इन दिल्ली, वो भी हुआ है. तो इसी तरह वी कैन डिवेलप सिमिलर सेंटर्स इन टीकमगढ़ एंड अदर प्लेसेस. और आई सी देयर आर फ्रेंड्स हियर आल्सो इवन फ्रॉम कश्मीर, एजाज इज हियर. तो बहुत अच्छा है कि आप सब लोग
इस तरह से पूरा एक जीत आई वांट टू स्पेशली थैंक यू बिकॉज दिस वाज योर फर्स्ट सच प्रोग्राम. नॉर्मली आप तो हाई लेवल रिसर्च करते हैं फॉर पॉलिसी पीपल बट मैंने कहा कि एक बच्चों के लिए भी कुछ करिए तो यू डन अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो डेवलपिंग दिस प्रोग्राम. आई थिंक इट्स बिकम अ मॉडल. अब वो क्या होता है कि ये दिल मांगे मोर हो गया. सो आई होप वी विल बी एबल टू डू सम मोर प्रोग्राम्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड ऑल्सो इन्वॉल्व सम ऑफ द अदर रिसोर्स पर्सन्स फ्रॉम RGICS. आई हैव टू गो फॉर अनदर webinar in another few minutes. So, aap log baat karte rahiye. I'll stay as long as I can. But let me thank you and stop here right now. Thank you, sir. Thank you, sir, for coming. So, jaise maine pichli baar promise kiya tha aap logon ko ki hum apne directors aapko layenge aur aapse baatcheet karayenge. Mujhe ab vishwas hai ki aap logon ko acha laga hoga unse baat karne ke baad. उनके प्रश्नों से और उनके सुझावों से हम अपने काम को और बेहतर करेंगे. ये पूरा जो समर कैंप था, समर स्कूल था, ये एक ग्लिम्प्स था. ऐसा नहीं है कि इसमें हमने सब कुछ सीख लिया और इससे हम सब एक्सपर्ट हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ये एक ग्लिम्प्स था और एक तरह का इंस्टिगेटिंग इवेंट था ताकि आप लोग ऐसे इश्यूज को किस तरह से सिस्टमैटिकली किस तरह से इसको अप्रोच करें, इसका एक नमूना था, एक फ्रेमवर्क था. आप कोई भी दूसरा इशू उठा सकते हैं और उसको इस फ्रेमवर्क में डाल करके उसको समझने का कोशिश कर सकते हैं. तो बहुत सारे यंग लोग, जैसे अभी आदित्य ने भी बोला कि और तान्या ने भी बोला कि हम लोग एक्शन करना चाहिए, हमको अगर चेंज लाना चाहिए तो हमको कुछ चेंज बनना चाहिए. लेकिन उस चेंज को लाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले समझें इश्यूज को, आसपास हमारे क्या हो रहा है, उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है, और बदलाव करना है तो कहाँ बदलाव करने की ज़रूरत है. उसके लिए आपको रिसर्च करने की ज़रूरत होती है. ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पेपर लिखते हैं और पब्लिश करते हैं अपने पेपर वही रिसर्चर हैं, बल्कि आम इंसान भी जब अपने आसपास कुछ चीज़ बदलना चाहता है तो वो भी खुद रिसर्चर होता है, अलग अलग तरीके से रिसर्चर होता है. तो ज़रूरी नहीं है कि वही लोग जो लैब में काम करते हैं या पेपर लिखते हैं वही रिसर्चर हैं. तो अगर यंग उम्र में बहुत कुछ बदलाव करने की बहुत चेष्टा रहती है, हम सभी चाहते हैं बदलाव करने की, लेकिन बदलाव कैसे हो उसके लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. और मुझे आशा है कि ये वाला जो प्रोग्राम रहा है ये जो है एक फ्रेमवर्क के रूप में आपको मिला होगा और इस फ्रेमवर्क को आप लगातार डेवलप कर सकते हैं. ये कोई ऐसा नहीं कि सेट फ्रेमवर्क है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है. आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं स्थिति के अनुसार, टाइम के अनुसार, और अलग अलग इश्यूज़ को ऐसे तौल करके देख सकते हैं कि उसमें आप क्या इश्यूज़ हैं और उनमें कैसे बदलाव ला सकते हैं. इस पूरे प्रोग्राम के लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ. सच मानिए मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला. मेरा बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत सालों से नहीं था, लगभग 10 साल से ऊपर हो गए मैंने बच्चों के साथ उस तरह से काम नहीं किया है. उससे पहले थोड़ा बहुत किया था, ज़्यादा नहीं किया था. तो हमारी जो RGF की टीम है जो ऑलरेडी बच्चों के साथ काम करती है, उनमें से कुछ लोगों के साथ मैं बार बार इंटरेक्ट करता रहता था कि कैसे बच्चों का मोटिवेशन बनाए रखूं, कैसे उनका अट्रैक्शन बनाए रखूं. तो वंडर रूम जो हमारी टीम है, RGF की जो वंडर रूम टीम है जो बच्चों के साथ काम करती है, उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ गाइड किया. तो उसके लिए उस टीम को भी धन्यवाद. और इस पूरे प्रोग्राम चलाने के लिए जो हमारी टीम थी, उसमें अरुण जी है, अंकुश है, तानिया है, किरण है, किरण ने भी बहुत हेल्प की है हिमाचल में बैठ करके, और सुजाता है, सुजाता ने जो है कुछ बच्चों के नाम सजेस्ट करने की सजेस्ट किए थे उन्होंने. तो उन सबका धन्यवाद. मुझे बस एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि इस पूरे ऑनलाइन होने की वजह से जो है बहुत अलग अलग प्रकार के लोग हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत कुछ सीखने को मिला है, हमने बहुत कुछ शेयर किया. अदरवाइज अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता है तो नॉर्मली क्या करते हैं हम, दिल्ली में कुछ लोगों को बुलाते और एक दो दिन का कुछ काम करते और हो गया. तो वो क्या होता है कि एक खास तरह का ग्रुप होता, पर इसमें देखेंगे आप तो अलग अलग प्रकार का ग्रुप है, कश्मीर से लेकर के आसाम तक और इधर छत्तीसगढ़ तक जो है अलग अलग तरह के लोग थे,
कुछ लोग गांव से हैं तो कुछ लोग बहुत बड़े शहरों से हैं, दिल्ली जैसे शहरों से हैं, तो एक बहुत मिक्स ग्रुप था। और ऐसा है कि आप लोगों ने भी आपस में कुछ सीखने की कोशिश की होगी, आपस में कुछ शेयरिंग हुई होगी। हमारा ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसको अगर आप कुछ दिन तक और लाइव रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं उसको, और अपने एक्सपीरियंसेस को उसमें शेयर कर सकते हैं। बस एक ही मुझे एक ही प्रॉब्लम हुआ इसमें कि कुछ लोगों को हम ऑनलाइन जोड़ नहीं पाए, उनका उनकी मंशा थी इस कोर्स को जोड़ने के लिए, लेकिन जैसे कश्मीर से कुछ लोग थे जो नेटवर्क के इशू के कारण जो है वो जोड़ नहीं पाए। हालांकि कुछ लोगों उनमें से कुछ लोगों ने जो है बाद में हमारा जो फेसबुक रिकॉर्डिंग होता है उसको देख करके सेशन लिए, और कुछ लोगों ने तो फॉर्म भी भरा है उसके बाद, यानी कि वर्कशीट भी भरी है। तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग है मेरे लिए भी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी उन लोगों ने किस तरह से काम किया। इस तरह नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ बच्चे थे जिनको थोड़ा नेटवर्क के इश्यूज थे, वो लोग भी नहीं कर पाए, तो ये थोड़ा मलाल तो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा डाइवर्स ग्रुप मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ लोगों ने मुझे वर्कशीट अच्छे तरह से बना के भेजे हैं, मैंने उसको कंपाइल किया है। मैं चाहूँगा उसको एक्चुअली शेयर करूँगा आपके साथ एक बार दिखाने, ग्लिम्स दिखाने के लिए कि किस तरह से हमारी रिपोर्ट आई है, ताकि आपको जिन्होंने जिनकी छूट गई है वो उसको हमको वर्कशीट भेज सकते हैं और हम उसको ऐड करेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे, अगले 2-3 दिन में अगर आप मुझे भेज दें तो हम ज़रूर ऐड करेंगे, पर नॉट मोर देन दैट। कुछ लोगों के वर्कशीट जो है, कुछ लोगों ने क्लासेस अटेंड नहीं किया और सिर्फ वर्कशीट भेजी, तो उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गई क्योंकि उन्होंने वो कॉन्सेप्ट समझे नहीं, और कॉन्सेप्ट नहीं समझने की वजह से वो ढंग से भर नहीं पाए, तो उसको उनको हमने वापस कुछ लोगों को फीडबैक दिया है, अगर वो इम्प्रूव करते हैं तो अच्छा लगेगा, हम उसको ऐड करेंगे। मैं क्विकली अपना एक ड्राफ्ट रिपोर्ट, अभी उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ड्राफ्ट रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस पर। अरुण मुझे थोड़ा अलाउ करेंगे अगर स्क्रीन शेयर, तो स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ओके, सो ये इस तरह का है, फ्रंट पेज है, ये मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि क्या पूरा प्रोग्राम के बारे में था ना, कौन कौन से लोग आए उसमें, किस प्रकार के लोगों ने हमको सेशन दिए उनका जिक्र है, हमारी टीम कौन कौन सी है, समर स्कूल का जो पूरा फ्रेमवर्क था, जो शेड्यूल था वो ये है। एंड देन इसके बाद एक पेजर सबका जो भी वर्कशीट थे उनको एक पेज में डालने की कोशिश की, जैसे लिखा का है एक पेज में डालने की कोशिश की हमने इसको, हम इसको शेयर करेंगे जैसा फाइनल हो जाएगा हम आप लोगों से शेयर करेंगे इसको। ये पुबाली का है, अगर किसी का फोटो वोटो मिसमैच हो रहा हो तो बता देना। ये सोनाली का है, इन्होंने बिहार में काम किया। नंदनी का है जिन्होंने नैनीताल में काम किया, अभी हमने सुना। आदित्य का है जिन्होंने दिल्ली में काम किया। तान्या का है दिल्ली में काम किया। आदित्य बिस्ट है, इन्होंने गोपेश्वर उत्तराखंड में काम किया। प्रज्ञा है जिनको अभी हमने सुना, घनसाली उत्तराखंड से। आदित्य शेखर साउथ दिल्ली से, और ये कश्मीर से हैं याकूब। तो इतने ही फाइनल हमको मिल पाए हैं, और 2-4 लोग और हैं जिन्होंने भेजेंगे अगर, तो हम उनको उनको भी ऐड करेंगे। ये जब फाइनल हो गई तो आप लोगों से शेयर करेंगे हम इस पूरे डॉक्यूमेंट को। और फाइनल बात, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फाइनल बात सर्टिफिकेट की, जिसको बहुत सारे लोग चाहेंगे कि उनको सर्टिफिकेट ज़रूर मिले। आपके काम के हिसाब से, आपके सेशन में अटेंडेंस और आपके वर्कशीट को भरने के आधार पर जो है हमने आपको सर्टिफिकेट बनाए हैं, आपके सर्टिफिकेट बनाए हैं, हम आपको ईमेल से या व्हाट्सएप से भेज देंगे, व्हाट्सएप से भेज देंगे। अगर किसी को ईमेल से चाहिए होगा वो, तो आप हमको पहले ईमेल भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपका ईमेल हमारे पास शायद सबका ना हो, तो हम ईमेल से भेज देंगे, लेकिन उससे पहले हम उसको आपको व्हाट्सएप से भेज देंगे। ये सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन योर पार्टिसिपेशन बोथ इन द नॉलेज सेशंस एंड इन द रिसर्च वर्क, उसके आधार पे आप बनाए हुए हैं। जितने भी लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, कुछ लोगों ने सिर्फ नॉलेज सेशन अटेंड किए और
रिसर्च वर्क काम नहीं किया, लेकिन उनको भी अगर उन्होंने सभी सेशन अटेंड किए हैं या मैक्सिमम 3-4 सेशन अटेंड किए हैं यदि आज का लगा करके, तो उनको भी हम सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम सबसे एक्सपेक्ट करें कि वो वर्कशीट भरें, और ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी भी नहीं था सबके लिए। जिन्होंने भरा उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनका रिपोर्ट में प्रॉपर एक पेज होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा उनके लिए भी हम सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ये आपको व्हाट्सएप से भेज देंगे। लेकिन क्योंकि आजकल हम हार्ड कॉपी नहीं दे सकते हैं आपको, तो आपको खुद ही ये प्रिंट करना पड़ेगा अपने अपनी जगह पे, आप अच्छे से पेपर में कलरफुल है, आप कलरफुल उसमें जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बस इतना ही, थैंक यू वंस अगेन। इस पूरे प्रोग्राम में मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, सच में सर ने अभी जब बताया कि हमने अलग 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 तरह के ग्रुप के साथ में काम करता था, बच्चों के साथ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। सो ये जो सिचुएशन आ गई थी हम सबके पास में, आई थिंक उसे हम लोगों ने निकलने का एक तरीका ढूंढ लिया है। इस पूरे फेस्टिवल के दौरान हमने बहुत अलग अलग तरह के सेशन करने सीखे, और आपका जो ये समर स्कूल था वो आई थिंक इज अ फैंटास्टिक मॉडल to think about, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ऐसा जल्दी हो नहीं पाता है, स्पेशली जब आप फिजिकल स्पेसेस में काम कर रहे हो कि आप इतने अलग अलग जगह से बच्चों को ला के एक जगह पे उनके साथ सेशन ले पाओ, लेकिन आई थिंक जूम हैज मेड इट पॉसिबल। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसपे हम गौर कर सकते हैं और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं इस तरह के प्रोग्राम को। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड अग्रीइंग टू डू दिस, एंड ऑल्सो टू ऑल द चिल्ड्रन हु पार्टिसिपेटेड। और मेरा एक बहुत ही स्पेशल थैंक्स है उन सारे रिसोर्स पर्संस को जिनको जीत लेके आए, संजय जी भी यहाँ पे हैं, आप सबके सेशंस ने बहुत रिच बना दिया इस पूरे एक्सपीरियंस को। सो थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और थैंक यू एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजिंग टीम, तान्या एंड अरुण एंड किरण फॉर डूइंग दिस, सुजाता जी फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस, एंड वी डू होप कि जीत अब इसके बाद फिर से संन्यास ना ले बच्चों के साथ काम करने से, और दोबारा जल्दी एक और अच्छा सा ऐसा ही समर स्कूल या विंटर स्कूल या ऑटम स्कूल लेके आए। आई थिंक हमें इसको सीजनल कर लेना चाहिए और और करते रहना चाहिए, आई थिंक बच्चे भी अग्री करेंगे मुझसे इस बात पे। तो सो थैंक यू सो मच जीत अगेन फॉर डूइंग दिस फॉर अस, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सभी साथियों को, जीत को, सभी को बहुत बहुत बधाई दैट यू मेड अ इनिशिएटिव वर्क, और अगली बार इसको और अच्छा से करेंगे और ज्यादा बच्चों के साथ करेंगे, और बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई, एंड यू नो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, वी'ल मीट अगेन मेबी फॉर अ लार्जर ट्रिप अराउंड वेयर पीपल हैव डन सम वर्क ऑन क्वार्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी साथियों को नमस्कार सलाम, और थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल।